चलिए बच्चों, फिर ये आठवां सेट आपके सामने आ चुका है एमबी बुक सॉल्यूशन का, और आप चाहें तो और बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं धीरे धीरे। ये आपको इस किताब से दिया गया है और आप देख सकते हैं। चलिए पहला सेगमेंट शुरू करते हैं अपना कॉमन एरर्स का। पहला क्वेश्चन है आपका, द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोविंग वेल। यहाँ डब्ल्यू ई डबल एल रहेगा। तो द फ्लावर एंड द वाइन, आप देख रहे होंगे फ्लावर के पहले भी द लगा हुआ है और वाइन के पहले भी द लगा हुआ है। एक नॉर्मल रूल आप समझते होंगे, यानी यहाँ दोनों को अलग अलग माना गया है। जब दोनों को अलग अलग माना गया है तो फिर वर्ब और प्रोनाउन दोनों हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया, देखें आर दिया गया है, यानी द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोविंग वेल। यहाँ गलत तब होता यदि आर के स्थान पर आपको इज दे दिया गया होता, यानी इस वाक्य में आपको कोई एरर नहीं, क्योंकि दोनों द फ्लावर और द वाइन अलग अलग काउंट किए गए हैं, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आई जंप्ड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर। आई जंप्ड विद द अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली आप एक चीज समझते होंगे कि जंप्ड विद द, आप अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं कूद गए, आप अपॉर्चुनिटी आने पर कूद गए, यानी आपने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से कैश किया जब वो आपके पास आए। यानी आई जंप्ड विद द अपॉर्चुनिटी होने के बजाय आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आप उस अवसर के आने पर आप खुश हो गए होंगे ना, तो आई जंप्ड विद द अपॉर्चुनिटी के स्थान पे होगा आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी, यानी बी पोर्शन में आपका एरर हो जाएगा। तो आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर, यानी कश्मीर जाने का मेरा जो अवसर आया उसे मैंने अच्छे तरीके से कैश किया, उसे बनाया, मीन्स आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी। 40 मिनट्स लेटर, यानी 40 मिनट के बाद जेम्स रिटर्न टू हिज फैमिली। 40 मिनट के बाद जेम्स रिटर्न टू हिज फैमिली, आप सोच के देखें किसी भी कीमत पे जेम्स रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप प्रेजेंट में भी रखें तो भी जेम्स रिटर्न कैसे होगा, जेम्स तो एक व्यक्ति का नाम है तो जेम्स रिटर्न्स होगा, लेकिन अगर आप इस पूरे वाक्य का भाव देखें तो 40 मिनट्स लेटर, यानी 40 मिनट के बाद जेम्स रिटर्न टू हिज फैमिली, जेम्स अपने परिवार के पास आया, परिवार के पास आया ना, बियरिंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर, यानी 40 मिनट के बाद वो एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया ना, तो आप समझ सकते हैं जेम्स रिटर्न कैसे होगा, जेम्स रिटर्न्स से भी बेहतर है जेम्स रिटर्न्ड टू हिज फैमिली हो जाएगा। यानी पास्ट की इवेंट आपको शो की जा रही है तो जेम्स रिटर्न्ड यूज कर ले, यानी बी पोर्शन में एरर हो जाएगा। तूतान खामोश डेथ मास्क इज स्टिल अनटार्निश्ड आफ्टर 34 सेंचुरीज, यानी 34 सेंचुरीज, 34 सदियों यानी शताब्दियों के बाद भी तूतान खामोश डेथ मास्क, उसका जो डेथ मास्क है वो इज स्टिल अनटॉर्न, अभी भी उस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं, अभी भी यानी 34 सालों बाद भी उस पर कोई टॉर्निश नहीं, ठीक है। क्या आपको लगता है भी के लिए केवल आफ्टर 34 सेंचुरीज होगा, ऐसे लग रहा है जैसे 34 सालों बाद उस पर वो जो मास्क है डेथ मास्क वो अनटार्निश्ड है। आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 34 सालों बाद भी वो अनटार्निश्ड है, बाद भी यानी आफ्टर के पहले आपको पता होगा, इवन लगा दें आप, इवन आफ्टर 34 सेंचुरीज, यानी 3400 सालों बाद भी वो डेथ मास्क अनटार्निश्ड रहे, यानी आफ्टर के पहले इवन होना चाहिए था, नहीं तो अर्थ गलत निकलेगा, यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है अपने पास, देयर वर टाइम्स यानी ऐसे समय थे इन हिज लाइफ उसके जीवन में, व्हेन ही स्ट्रगल्ड फॉर वन स्क्वायर मील अ डे, ही स्ट्रगल्ड जब उसे संघर्ष करना पड़ता था फॉर वन स्क्वायर मील, वन स्क्वायर मील मीन्स भर पेट भोजन डे यानी दिन में, यानी कभी ऐसा भी समय उसके पास था या इस तरीके के समय भी उसकी जिंदगी में आया था जब उसे दिन में एक बार भर पेट भोजन नसीब भी नहीं हो पाता था, उसके लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था।
बच्चों जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत बार ऐसा समय आता है जहाँ पे इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। तो वह व्यक्ति भी इस तरह का समय देख चुका था जब उसे ही स्ट्रगल, उसे संघर्ष करना पड़ता था। फार किस चीज के लिए? दिन में एक भर पेट भोजन के लिए। भर पेट भोजन के लिए ना, तो ऑलरेडी देखें आप ही स्ट्रगल्ड फॉर 1 square meal a day। चलिए देखते हैं इससे बेहतर क्या हो सकता है। ही कीप्स स्ट्रगलिंग फॉर मील्स। पहले तो इसे तुरंत कट काट दीजिए क्योंकि देयर वर टाइम्स की बात की जा रही, पास्ट के तो कीप्स कैसे हो जाएगा। ही स्ट्रगल्ड विद 1 square meal a day। अब 1 square meal a day के साथ तो स्ट्रगल कर नहीं रहा होगा, तो भी नहीं होगा। सी है ही स्ट्रगल्ड 1 day फॉर फूड। ही स्ट्रगल 1 day, यानी एक दिन उसने संघर्ष किया फॉर फूड, भोजन के लिए। क्या ये आशय है कहने का? कतई नहीं। एक्चुअली राइटर क्या कहना चाह रहा है कि एक समय ऐसा था उसके जीवन में जब उसे एक, मतलब दिन में एक बार भर पेट भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था, के लिए भी तरसना पड़ता था। वास्तव में वाक्य खुद से ही है, ही स्ट्रगल्ड फॉर 1 square meal अ डे, यानी नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है आपका, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गिल्टी ऑफ सम क्राइम आर द अदर। सम क्राइम आर द अदर, समझ जैसे आपको कहना हो कहीं ना कहीं, तो सम वेयर आर द अदर होता है, कभी न कभी सम डे आर द अदर हो जाएगा, कोई न कोई सम वन आर द अदर हो जाएगा। तो ऐसे यहां पे है सम क्राइम आर द अदर मीन्स कोई न कोई क्राइम, कोई न कोई अपराध। फिलहाल वाक्य देखते हैं, तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गिल्टी। सामान्य जानकारी रखने वाला बच्चा भी समझेगा कि ईच एंड एवरी वन के साथ आर कैसे हो जाएगा। हम तो प्रत्येक की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर हो जाएगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी, क्योंकि आप यू के लिए नहीं ले रहे हैं, आपका सब्जेक्ट यू नहीं है, आपका सब्जेक्ट है ईच एंड एवरी वन, जो कि सिंगुलर के तौर पर यूज किया जाता है, तो यहां आर के बजाय इच हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का तीसरा क्वेश्चन है, लेट यू एंड आई गो टुगेदर। आज ही बच्चों को मैं एक्सरसाइज करा रहा, तो मैंने लिखवाया कि प्रीपोजिशन के बाद और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। तो ध्यान से देखें क्या लिखा है, लेट यू एंड आई गो टुगेदर। आई कैसे हो सकता है, यू यहां ऑब्जेक्टिव है, तो एंड के बाद आई को भी ऑब्जेक्टिव होना होगा, तो लेट यू एंड मी गो टुगेदर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है, ही समरली डिसमिस्ड व्हाट हिज सन टोल्ड हिम इन अ फिट ऑफ रेज। इन अ फिट ऑफ रेज होता है आवेश में, बहुत अधिक क्रोध में, मीन्स अचानक। डिसमिस किसने किया? उसने किया उस चीज को जो उसके बेटे ने कहा, या बेटे ने क्रोध में डिसमिस कर दिया था, उसने डिसमिस किया ना। अगर उसने डिसमिस किया समरली पूरी तरह से, तो एक तरह से उस व्यक्ति ने इन अ फिट ऑफ रेज किया होगा, न कि उसके बेटे ने। चलिए पहला ए है आपका, इन अ फिट ऑफ रेज, यानी आवेश में आकर, ही समरली डिसमिस्ड, उसने सारांश के तौर पे एक तरह से डिसमिस कर दिया, मीन्स खारिज कर दिया, व्हाट हिज सन टोल्ड हिम, जो कुछ उसके बेटे ने कहा था उससे। होना यही चाहिए, लेकिन और देखते हैं, ही समरली डिसमिस्ड इन अ फिट ऑफ रेज व्हाट हिज सन टोल्ड हिम। आप जानिएगा इन अ फिट ऑफ रेज को वाक्य के आरंभ में रखते हैं एक एडवर्बल की तरह। व्हाट हिज सन टोल्ड इन अ फिट ऑफ रेज ही समरली डिसमिस्ड, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि डिसमिस्ड के बाद वैसे भी जिस चीज को उसने डिसमिस किया वो देना चाहिए, तो सी नहीं होगा और ए और बी में से एक होगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं, उसने डिसमिस किया इन अ फिट ऑफ रेज, या इन अ फिट ऑफ रेज उसने डिसमिस किया? तो आपको समझ में आएगा कि ए ऑप्शन बेहतर है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इन अ फिट ऑफ रेज, यानी आवेश में आकर, हे समरली डिसमिस्ड व्हाट हिज सन टोल्ड हिम, जो कुछ उसके बेटे ने कहा था उसने उसे डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपके सामने और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ही इज ओनली एन डैश डायरेक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन बट ही डज हिज वर्क सिंसियरली। ऑनरिफिक मीन्स होता है माननीय, जो बहुत सम्मानित हो, जिसका पद बहुत ऊंचा हो, वो आदमी ऑनरिफिक होता है।
ऑनरेबल क्या होता है, जिसका बहुत सम्मान किया जाता हो हर जगह, जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हमारे ऑनरेबल हैं, कोई जज हैं तो ऑनरेबल होते हैं, तो यहाँ तो ऑनरेबल डायरेक्टर की बात है तो नहीं होगा। ऑनर मीन्स सम्मान होता है, और ऑनररी एक अवैतनिक पद होता है, अर्थात पद है आपका लेकिन आपको उसका कोई पेमेंट आपको नहीं दिया जाता है। तो वाक्य को देखें ध्यान से, ही इज वनली एन डैश डायरेक्टर, यानी वह एक ऐसा डायरेक्टर है इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में है, बट ही डज हिज वर्क सिंसियरली, यानी उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता होगा फिर भी वो अपना कार्य सिंसियरली बहुत लगन के साथ गंभीरता के साथ करता है। कब? जब वो पद तो है लेकिन कोई पैसा नहीं मिलता है, यानी ऑनर्सिक नहीं होगा, यहां ऑनररी हो जाएगा। ऑनररी मीन्स होता है अवैतनिक, यानी वो एक अवैतनिक डायरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यानी अवैतनिक होने के बावजूद वह सिंसियरली अपने कार्य को अंजाम देता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अ वार्म रिसेप्शन वाज डैश हिम, आप समझ सकते हैं हिंदी इसके, एक मतलब गर्मजोशीपूर्ण स्वागत उसका किया गया, यानी एक वार्म वेलकम, वार्म रिसेप्शन उसको दिया गया। ये जो गिवन फार है, अगर गिवन टू हो जाता आराम से सेट हो जाता, अ वार्म रिसेप्शन वाज गिवन टू हिम, लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो है नहीं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, चार ऑप्शंस में से एक तो आपको करना ही होगा। अब देखते हैं, गिवन टू होगा नहीं, दूसरा है अकॉर्डेड टू। अकॉर्ड मीन्स भी होता है किसी को देना, प्रदान करना, सहमति प्रदान करना। सी है अलॉटेड टू, भाई वार्म वेलकम जो है, वार्म रिसेप्शन जो है, अलॉट तो किया नहीं जाएगा, पहले से ही आवंटित तो कर नहीं लिया जाएगा। अलाइड टू, अलाइ मीन्स होता है संगति देना, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। तो अ वार्म रिसेप्शन वाज, अब गिवन फॉर हो नहीं सकता क्यों, गिवन टू नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, अ वार्म रिसेप्शन वाज अकॉर्डेड टू हिम, यानी एक गर्मजोशी से भरा हुआ स्वागत उसे उसका किया गया, तो अकॉर्डेड टू हो जाएगा। आई हैव नो डैश रिचेस, अब देखिए आप 50-50 करना सीखे, फोन अ फ्रेंड आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50-50 तो कर सकते हैं आप यहां पे। जैसे आई हैव नो डैश रिचेस है, ठीक है, रिचेस नाउन है, तो डिजायरस ऑफ रिचेस कैसे हो जाएगा, मीन्स डिजायरस मीन्स इच्छुक होता है, आई हैव नो, क्योंकि हैव के बाद तो हर हाल में आपको यहां पे लेना होगा इच्छा के रूप में, न कि इच्छुक के रूप में। अगर यहां एम रहता तो आप डिजायरस के बारे में सोचते, तो एम तो है नहीं यहां पे, आई एम नॉट डिजायरस हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ए हटा दें। फिर बी है डिजायर फॉर, हाँ आई हैव नो डिजायर हो जाएगा, हैव के साथ यहां नाउन आ जाएगा, आई हैव नो डिजायर, मेरे मन में इच्छा नहीं है फॉर रिचेस, धन दौलत की, सही है। चलो आगे भी देखते हैं, आई हैव नो डिजायर ऑफ रिचेज, डिजायर फॉर समथिंग होता है न कि डिजायर ऑफ होता है, और डिजायर टू तो यहां होगा नहीं क्योंकि आगे कोई इन्फिनिटिव तो आपको लेना नहीं है, तो यहां हो जाएगा आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेस। नेक्स्ट आपका है द डॉक्टर डैश द वोमन दैट हर सन वुड रिकवर, डॉक्टर ने वोमन को आश्वस्त किया होगा ना, दैट की हर सन वुड रिकवर, उसका बेटा जो है जल्दी से ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब इंश्योर, इंश्योर क्या होता है, बीमा करा लेना, पक्का कर लेना, सुनिश्चित कर देना किसी चीज को कि हाँ ऐसा हो, ये इंश्योर करना होता है। अज्यूम क्या होता है, अज्यूम मीन्स मानना होता है, कोई धारणा बना लेना होता है, यहां तो नहीं लगता है हुआ ये। इंश्योर जो वही होता है जो इंश्योर होता है, अमेरिकन इंग्लिश में आई एन होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में ई एन होता है, तो वही है आपका ये पक्का कर लेना, बीमा करा देना किसी चीज को। हाँ अश्योर होता है, अश्योर मीन्स आश्वस्त करना, किसी को भरोसा दिलाना, तो डॉक्टर ने वोमन को भरोसा ही तो दिलाया होगा ना कि उसका बेटा जो है रिकवर कर लेगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, द डॉक्टर अश्योर द वोमन दैट हर सन वुड रिकवर हो जाएगा। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है अ पार्टनर इन क्राइम, पता होगा आपको जब कोई आपके गलत कार्य में, कोई क्राइम में आपका साथ देता है, बिल्कुल सिंपल सा अकॉम्प्लिस होता है, अकॉम्प्लिस मीन्स जो गलत कार्य का साथी होता है वो अकॉम्प्लिस होता है। असिस्टेंट तो इससे मतलब नहीं है भाई, पार्टनर तो होता नहीं असिस्टेंट, असिस्टेंट तो हमारा सहायक होता है। एलिबाई कौन होता है, वो व्यक्ति जो ये साबित कर दे कि जिस समय ये क्राइम हुआ उस समय वो उस स्थान पर उपस्थित नहीं था, या फिर वो एविडेंस कि हाँ वो वहां उपस्थित नहीं था, ये एलिबाई होता है, तो ये सी नहीं होगा।
और हेल्पर तो हेल्प करता है, नॉर्मल सेंस में हम हेल्पर का यूज़ करते हैं ना कि क्राइम के सेंस में हम हेल्प करते हैं, तो याद कर लें क्राइम में जो किसी की मदद करता है वो अकॉम्प्लिस होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आर्म्स और वेपन्स को हथियारों में रखा जाता है, वो सिंपल सा है, आर्सेनल होता है, आर्सेनल शस्त्रागार होता है, टैनरी नहीं होगा, टैनरी मीन्स होता है चमड़ी का कारखाना, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ग्रैनरी भी नहीं होगा, ग्रैनरी जहाँ पे अन्न भंडार होता है उसको ग्रैनरी कहते हैं, किल्न भी नहीं होगा, किल्न में समझते होंगे वो जहाँ पे ईंटें वगैरह ईंट्स वगैरह बेक की जाती हैं पकाई जाती हैं, भट्ठा जिसको आप कहते हैं वो किल्न होता है, तो ये आर्सेनल हो जाएगा शस्त्रागार। वन हु सेल्स ऑर्डिकल्स एट पब्लिक सेल्स, जो खुले में यानी सार्वजनिक रूप से सामान वगैरह बेचता है वो जगलर नहीं होता है, जगलर तो बाजीगर होता है जो हाथों का करामात दिखाता है, जादूगर होता है वो जगलर होता है, टेलर भी नहीं होता है, टेलर वो होता है जो बैंक से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको बताता है, उनकी देखरेख करता है, वो टेलर होता है, टेलर वैसे बताने वाला भी हो सकता है टेलर, तो यहाँ फिलहाल ये नहीं होगा। हाँ, ऑक्शनर कौन होता है, ऑक्शनियर होता है वो जो ऑक्शंस करता है, मीन्स नीलाम करने का कार्य करता है, तो यही हो जाएगा। वन हु सेल्स आर्टिकल्स पब्लिक सेल्स, यानी पब्लिक सेल्स में अगर कोई बेच रहा है तो वो ऑक्शनियर होगा, नीलाम करने वाला। मिलिनर नहीं होगा, मिलिनर मेम लोगों की अर्थात लेडीज का जो हैट बनाता है, टोपी वगैरह बनाता है, वो मिलिनर होता है। तो वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेसेस ऑक्शनियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन वर्ड है आपका, अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस आर पार्डन, आप समझते होंगे सरकार जो होती है वो कभी कभी देखेगी कि हाँ फला पॉलिटिकल पर्सन का जो है उसे क्षमादान दे देना है, तो अगर सरकार की तरफ से किसी को क्षमादान दिया जाता है तो आपको याद होगा वो एमनेस्टी होता है, क्षमादान, ये सरकारी स्तर पर पॉलिटिकल स्तर पर होता है। बेनेडिक्शन समझते होंगे, जब आपकी मम्मी आपके पापा आपको आशीर्वाद देते हैं तो वह बेनेडिक्शन होता है, वैसे ही पोप वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, जब आप आत्मिक रूप से खुश हो जाते हैं तो ग्रेटिफिकेशन होता है, जब किसी कार्य से आप खुश हो जाते हैं तो वह सेटिस्फैक्शन होता है आपका, तो ग्रेटिफिकेशन आत्मिक संतुष्टि। इमेंसिपेशन क्या होता है, इमेंसिपेट कर देना, मुक्त कर देना, तो इमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति हो जाएगी। तो अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस आर पार्डन हो जाएगा, एमनेस्टी क्षमादान। चलिए, तो एंटोनिम्स आपके सामने हैं और ये पहला क्वेश्चन है आपका, पहला वर्ड है कॉशस, नॉर्मल वर्ड है आपके लिए, कॉशस मीन्स कोई ऐसा जो बहुत सतर्क सावधान होता है, तो वॉचफुल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिनोनिम हो जाएगा, अलर्ट भी नहीं होगा, सिनोनिम हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, तो कॉशस का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, मीन्स लापरवाह, थॉटफुल भी नहीं होगा, थॉटफुल मीन्स विचारशील होता है, तो लापरवाह कैसे होगा, तो कॉशस का एंटोनिम केयरलेस। मेहमत, मेहमत मीन्स विशाल, बड़ा, माइन्यूट क्या होता है, सूक्ष्म होता है बिल्कुल, तो हो जाएगा ना माइन्यूट, बिल्कुल सूक्ष्म, छोटा, मैमथ में बहुत बड़ा विशाल, मॉन्यूमेंटल नहीं होगा, मॉन्यूमेंटल दो होता है, कोई चीज़ बहुत जो महत्वपूर्ण हो या कोई स्मारक संबंधी हो वह मॉन्यूमेंटल होता है। स्टुपेंडस नहीं होगा, स्टुपेंडस मीन्स भी अति विशाल, बहुत विशाल, बहुत बड़ा होता है, तो मैमथ का सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम कैसे होगा। प्रोडिजियस नहीं होगा, प्रोडिजी किसी विलक्षण बच्चे को कहते हैं जो बहुत बुद्धिमान हो बचपन में ही, वो प्रोडिजी होता है, प्रोडिजियस विलक्षण को कहेंगे, तो इसका एंटोनिम नहीं होगा, तो मैमथ का एंटोनिम हो जाएगा माइन्यूट, सूक्ष्म, बिल्कुल, मैमथ मीन्स विशाल। नेक्स्ट वर्ड है डवियस, समझते हो, डवियस मीन्स संदिग्ध होता है, मीन्स जो आदमी जिसके मन में संदेह हो, शक हो, वह डवियस होता है, तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इजी मीन्स आसान होता है, डबल बिल्कुल भी नहीं होगा, डबल मीन्स दूना होता है, अश्योर हो जाएगा, अश्योर मीन्स आश्वस्त, जब आप किसी चीज़ को लेकर संदेह में हो तो आप डवियस हैं, तो अगर उस चीज़ को लेकर अश्योर्ड हैं मीन्स आप बिल्कुल आश्वस्त हैं, तो डवियस का एंटोनिम हो जाएगा अश्योर्ड। डिमाइज आप जानते होंगे, डिमाइज मीन्स मृत्यु को कहते हैं। चलिए फिर से एंटोनिम है एक वर्ड आपका, अभोर, अभोर समझते होंगे घृणा करना होता है, तो मैड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैड मीन्स पागल होता है, हाँ लव हो जाएगा, लव मीन्स प्रेम करना होता है, तो अभोर मीन्स घृणा करना, तो लव मीन्स प्रेम करना, हेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, और मिस मीन्स होता है कई हो सकता है, मिस मीन्स किसी अवसर को खो देना भी होता है, और मिस मीन्स किसी को याद करना भी होता है, और मिस समझते होंगे मिस को भी कहते हैं, तो अभोर का एंटोनिम लव हो जाएगा। चलिए idioms एंड phrases आपके सामने आ गए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, a wild goose chase, बिल्कुल इजी, इंटरमीडिएट लेवल पे आपने पढ़ा होगा,
कि अगर आप एक जंगल में एक बत्तख को दौड़ा रहे होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आप तो निरर्थक ही दौड़ रहे होंगे ना, क्योंकि जंगल में एक बत्तख कैसे पकड़ लेंगे, वो भागती जाएगी, आप पीछे पीछा करते जाएंगे, मीन्स अंततः वो प्रयास आपका निरर्थक हो जाएगा। तो अ वाइल्ड गो चेस मीन्स एक निरर्थक प्रयास, अर्थात पहला ही हो जाएगा अ यूजलेस एफर्ट, मीन्स निरर्थक प्रयास। नेक्स्ट है मेन लाइक विद्यासागर एंड भगत सिंह, एक्चुअली इनके जो नाम है कैपिटल होंगे बनाया गया, उतना ही ध्यान दिया गया। मेन लाइक विद्यासागर एंड भगत सिंह आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ, किसी चीज का नमक क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज होती है, यानी द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी वो जो अच्छे लोग, मीन्स जिसके बिना, जिनके बिना शायद ये पृथ्वी न रहे। तो द साल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स हो जाएगा फेमस में नहीं होगा, फेमस तो प्रसिद्ध कोई भी हो सकता है, हार्ड वर्किंग से कोई मतलब नहीं इसका है। हाँ, आइडियल में, आदर्श जिन्हें लोग फॉलो करते हों, जिनके बिना ये धरती शायद न चल पाए, जिन आदर्श से भरे हुए लोगों के बिना। तो द साल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स आइडियल मैन, मीन्स आदर्श व्यक्ति। टू हीट टू ईट हम्बल पाई, दूसरी बार आप कर रहे हैं सेट में, यानी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टू ईट हम्बल पाई मीन्स, याद होगा आपको, मुंह की खाना, मीन्स एक तरह से अपमान बर्दाश्त करना, या फिर इस पोजिशन में आ जाना कि आपको माफी मांगनी पड़े। तो चलिए देखते हैं चारों। टू हैव अ लो एस्टिमेट ऑफ वन सेल्फ, कतई नहीं होगा, आप अपने बारे में गलत आकलन करते हो, कम आकलन करते हो, तो इसका मतलब नहीं है। टू एक्ट अपोलोजेटिकली हो जाएगा, मीन्स माफी मांगने लायक काम करना, मीन्स ये हाल हो जाना आपका कि आपको माफी मांगनी पड़े। टू प्रिटेंड टू बी हम्बल नहीं होगा, आप विनम्र बनने का बहाना तो कर नहीं रहे यहाँ पे। टू स्टार्व भूखों रखना, तो इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। यानी टू ईट हम्बल पाई यहाँ पर हो जाएगा टू एक्ट अपोलोजेटिकली, माफी मांगना। नेक्स्ट इडियम है आपका देयर वाज अ डेफिनेट एलिमेंट ऑफ फैब्रिकेशन इन द स्टोरी। फैब्रिकेशन मीन्स मनगढ़ंत चीजें, जब अपने हिसाब से कुछ जोड़ रखा हो। तो देयर वाज अ डेफिनेट एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व होता है। तो देयर वाज अ डेफिनेट एलिमेंट ऑफ फैब्रिकेशन इन द स्टोरी, उस स्टोरी में कहीं की कुछ ना कुछ बनावटी चीजें थी, जोड़ी गई थी। बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसने विश्वास कर लिया द अकाउंट, उस उन बातों को, उस लेखे जोखे को, हुक लाइन एंड सिंकर। अभी कल या परसों मैंने बैच में पढ़ाया था कि हुक लाइन एंड सिंकर मीन्स होता है पूरी तरह से, मीन्स बिना किसी हिचक, बिना किसी शक के पूरी तरह से। तो देख रहे होंगे कौन सा वर्ड हो जाएगा, कंप्लीटली, यानी हुक लाइन एंड सिंकर मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से। चलिए स्पेलिंग एरर्स आ गए, और ये इजी लेवल है आपके एक तरह से जो वर्ड्स दिए गए हैं, और ये आपके पेपर में ही आप इसलिए तैयार कर सकते हैं। तो डिमिन्यूटिव समझते होंगे, DIMINUTIVE होता है। तो डिमिनिटिव मीन्स बहुत सूक्ष्म, छोटा जो होता है साइज में, वो डिमिनिटिव होता है, मीन्स छोटे आकार का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये भी आसान, कर्टियस है, अपने से बना सकते हैं, CURTEOUS, कर्टियस में शिष्ट सभ्य, जो व्यक्ति सिविल होता है, पोलाइट होता है, वो कर्टियस होता है। तो सी ऑप्शन देखें, CURTEOUS, कर्टियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, शायद आपने पहली बार ये वर्ड देखा हो या देख रहे हो। तो वर्ड है बुगेनविलिया, मीन्स एक्चुअली जो ट्रॉपिक्स होते हैं, कटिबंध के क्षेत्र होते हैं, गर्म प्रदेश होते हैं, वहां पे एक लाल या बैगनी फूलों वाला ये पौधा पाया जाता है, बुगेनविलिया। इसकी स्पेलिंग होती है BOUGAIN, बुगेनविलिया, VIELLEA, बुगेनविलिया, मीन्स एक तरह से दक्षिणी अमेरिका या कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाने वाले वो फूल, जो लाल या बैगनी रंग के जिसपे फूल होते हैं वो पौधा होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑकरेंस आसान होना चाहिए आपके लिए, OCCURENCE होता है। ऑकरेंस मीन्स कोई घटना होती है, जो आकर करती है, घटित होती है। ए ऑप्शन देखिए बिल्कुल ईजी, OCCURENCE, ऑकरेंस, घटना। नेक्स्ट सेगमेंट है आपका सोनानिम्स का। आपका पहला वर्ड है मेलोडी, मेलोडी मीन्स बीमारी होती है, तो लेडी तो होगा नहीं, मेलोडी होगा नहीं, मेलोडी मीन्स स्वर माधुरी होता है, मीन्स स्वर की मधुरता जो होती है, मेलोडी होती है। और हाँ, डिजीज हो जाएगा, डिजीज मीन बीमारी होती है, तो मेलोडी का सोनानिम हो जाएगा डिजीज। पैरोडी समझते होंगे, हास्य अनुकरण कृति होती है, जब आप किसी की इस तरीके का अनुकरण करते हैं जिसका मकसद हंसाना होता है, तो पैरोडी होता है। अपने पैरोडी सांग्स आपने सुने होंगे, जिनमें अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके इस तरीके का गाना बनाया जाता है जिससे लोगों को हंसी आए। तो ये मेलोडी का सरनेम हो जाएगा डिजीज। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स कोई जो सुस्त हो, आलसी हो, बहुत बार ऐसा होता है जहाँ हम शायद सुस्त हो जाते हैं, लैंग्वेज हो जाते हैं, तो हम लेथार्जिक हो जाते हैं।
तो लैंग्वेड मीन्स आलसी, तो लग्जरियस तो नहीं होगा, लग्जरियस तो आदमी सुख सुविधाओं वाला होता है, मीन्स इस तरीके की चाहत रखता है, वो लग्जरियस होता है। स्पिरिटेड बिल्कुल भी नहीं होगा, स्पिरिटेड वो होता है जो भावनाओं से भरा हो, उत्साह से भरा हो, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइवली भी नहीं होगा, लाइवली मीन्स जो बिल्कुल सजीव हो, मीन्स ऊर्जा से भरा हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। लेथार्जिक हो जाएगा, लैंग्विड का सरनेम लेथार्जिक मीन्स सुस्त आलसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका लग्जरियंट। लग्जरियंट मीन्स प्रचुर होता है, पर्याप्त, तो क्लास तो नहीं होगा बिल्कुल भी। लश होता है, लश मीन्स प्रचुर पर्याप्त होता है, तो लग्जरियंट का सिनोनिम हो जाएगा लश। जैसे अबेंडेंस होता है किसी चीज का, प्लेथोरा होता है, गैलोर होता है, ये लश होता है लग्जरियंट का। लश लग्जरियंट मीन्स प्रचुर पर्याप्त। लग्जरियस अभी आपने पढ़ा था, लग्जरियस मीन्स भोग विलासी होता है और लवली आप हैं ही, तो लग्जरियंट का सिनोनिम हो जाएगा लश, जिसके मीन्स होता है प्रचुर पर्याप्त। तो चलिए एक ऐसा सेक्शन जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एक्विवारस, और फिर हमारे पास आगे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लोज टेस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तय करते हैं पहला एक्विवारस सिस्टम, शुरू करते हैं। पहला है द पिलग्रिमेज टू मक्का, मीन्स मक्का, द पिलग्रिमेज टू मक्का। आप सोच कर देखिए, द पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का की जो तीर्थ यात्रा है, गिविंग आम्स, भिक्षा देना, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द वनली गॉड, अल्लाह को ये मानना कि वही इकलौता गॉड है, इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम, यानी हर एक मुस्लिम के जो पांच रिलीजियस ड्यूटीज हैं, धार्मिक कर्तव्य हैं, एलॉन्ग विद प्रेइंग फाइव टाइम्स अ डे, जिसके साथ साथ पांच बार नमाज अदा करना होता है, एंड फास्टिंग फोर वीक्स वंस अ ईयर, और एक बार में चार सप्ताह तक व्रत रखना होता है, मीन्स जिसे आप समझते होंगे वो नमाज वगैरह पढ़ना, सारी चीज करना और एक महीने की व्रत रखना। तो चलिए शुरू करते हैं द पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का की तीर्थ यात्रा, मक्का की तीर्थ यात्रा, गिविंग आम्स होगा क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं, मक्का की तीर्थ यात्रा, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द वनली गॉड होगा क्या? नहीं होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं, मक्का की तीर्थ यात्रा इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम, बैठ गया ना? देखिए ये है क्या आपका कि द पिलग्रिमेज टू मक्का, ये सब्जेक्ट का पोर्शन आपका है, तो आप समझते होंगे इसके बाद आपको प्रेडिकेट लेना है। अब अगर द पिलग्रिमेज टू मक्का के बारे में कुछ और बताया गया होता तो आप उसको जोड़ लेते एडजेक्टाइवल फ्रेज की तरह, बट यहां ऐसा है नहीं, यहां द पिलग्रिमेज टू मक्का हो गया और आपको प्रेडिकेट चाहिए, तो ध्यान देखें आर से आपका प्रेडिकेट शुरू हो रहा है। अब आप करें क्या, आप जोड़ लें पहले, द पिलग्रिमेज टू मक्का इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम, यानी मक्का की जो तीर्थयात्रा होती है वो हर एक मुसलमान के जो पांच धार्मिक कर्तव्य होते हैं उनमें से एक है। अब जल्दीबाजी ना करें, चारों ऑप्शंस में जाएं और देखें आर से कौन सा शुरू हो रहा है, देख लें, 50-50 हो गया आपके पास, ए और बी में ही आर है, सी और डी को आप हटा दीजिए, अब आपकी आसानी है कि हमको इसी में से चूज करना है, ठीक है? अब देखते हैं आर के बाद क्यू आना चाहिए या आर के बाद एस आना चाहिए, चलिए मिलाते हैं, पहले क्यू देखते हैं। द पिलग्रिमेज टू मक्का इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द वनली गॉड होगा क्या? नहीं ना। चलिए एस देखते हैं, द पिलग्रिमेज टू मक्का इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम एलॉन्ग विद प्रेइंग फाइव टाइम्स अ डे, सही ना? यानी वो पांच धार्मिक कर्तव्य जो हर एक मुसलमान के होते हैं उनमें से एक है मक्का की तीर्थ यात्रा एलॉन्ग विद प्रेइंग फाइव टाइम्स अ डे। और क्या क्या है? दिन में पांच बार नमाज अदा करना, ये है। और क्या है? अब यहां मिला लें, क्यों है इसके बाद, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द वनली गॉड, ये भी एक कर्तव्य है कि ये मानना कि अल्लाह ही एक गॉड है। फिर पी जोड़ लें, गिविंग आम्स, और क्या है, लोगों को भिक्षा देना, एंड और क्या है, फास्टिंग फोर वीक्स वंस अ ईयर, सही ना? यानी आर एस क्यू पी हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया क्लू था आपका कि आर पहले आएगा फिर आप जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे आर के बाद क्यू नहीं आएगा, क्योंकि इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम है, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द वनली गॉड यहां नहीं बैठेगा, एलॉन्ग विद, चूंकि इसके साथ आपको बात करना है इसलिए एस आ जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका बी आर एस क्यू बी। नेक्स्ट है आपका
A social network is. अब ध्यान देखिए, A social network is, इसके बाद provides कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं. चलिए क्यों देखते हैं. A social network is a set of actors and the social network की हम बात कर रहे हैं और ये set of actors के बाद social network कोई set of actors तो है नहीं आपका. चलिए और आगे बढ़ते हैं. तो a social network is a social structure. बिल्कुल सही, देख लें. A social network is a social structure. यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा? R. फिर से आगे बढ़ें और देखिए आपके बल्ले बल्ले है. एक ही में R है, means A option है. अब अगर आप सोचते हो कि मिला लें हम, तो R के बाद Q को रख लीजिए. आप देखें, A social network is a social structure made up of, क्यों रखें? Made up of a set of actors and the, आस रखें, Diadic ties between these actors. सही है, यानी आपका R के बाद Q आ जाएगा. Is a social structure made up of a set of actors. यानी RQ यानी A option. तो clear है आप कि a social network is a social structure ही पहले आएगा आपको. अगर आपके मन में आए कि सर ये diadic ties क्यों नहीं आ सकता है, ध्यान देखें, a social network is है तो diadic ties कैसे हो जाएगा? ties तो plural है ना, तो फिर is कैसे आता? चलिए, इंग्लैंड से कैथ वेब, एक्चुअली इनका नाम कैथरीन वेब है, वहां के ब्रिटिश ऑथर हैं, बहुत महान, बहुत प्रसिद्ध. तो इंग्लैंड से कैथ वेब, अब आप सोच के देखें, ये सब्जेक्ट हो गया ना, विद हर रेजोल्यूशन आएगा. अभी तुमके बारे में कैसे कहां कुछ आ गया कि विद हर रेजोल्यूशन आ जाएगा. तो इंग्लैंड से कैथ वेब टू मेक अ स्पंज, अरे कैसे आ जाएगा? स्ट्रक्चर देखें ना, नहीं आएगा. इंग्लैंड से कैथ वेब हिट, सब्जेक्ट था ना, इंग्लैंड्स कैथ वेब. आपको क्या चाहिए था? वर्ब चाहिए थी. देखिए आर में आपकी वर्ब है हिट द हेडलाइंस. फिर से चलते हैं चारों पे. देखिए दो में हमारे पास 50-50 हो, लेकिन बी ऑलरेडी हट गए. आपके पास दो ही ऑप्शंस में से हैं, आर क्यू और आर पी. ठीक है, अब पहले आर के बाद क्यू देखते हैं, फिर पी देखते हैं. तो इंग्लैंड्स कैथ वेब हिट द हेडलाइंस इन जनवरी. ठीक है, क्यू देखते हैं. इंग्लैंड्स कैथ वेब हिट द हेडलाइंस इन जनवरी टू मेक अ स्पॉन्ज केक एवरी डे फॉर अ ईयर. ये आएगा या पी देखते हैं. इंग्लैंड्स कैथ वेब हिट द हेडलाइंस इन जनवरी विद हर रेजोल्यूशन. अगर जनवरी में हेडलाइंस की पार्ट हुई तो विद हर रेजोल्यूशन हुई, अपने संकल्प अपने रेजोल्यूशन के साथ. यानी आर के बाद पी आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए. अब मिला लेते हैं. इंग्लैंड्स कैथ वेब हिट द हेडलाइंस इन जनवरी With her resolution to make, देखिए सही है, with her resolution to make a sponge cake every day for a year and give it to a friend, family member or stranger just to make them, देखिए them सही है ना यहाँ पे, just to make them smile. यानी आपका हो जाएगा RPQS. Next है, Some people seem to imagine. कुछ लोग ऐसे लगते हैं जैसे वो imagine करते हों. भाई क्या imagine करते होंगे? And that तो कभी नहीं आएगा. Some people seem to imagine and that कभी होगा? कभी नहीं. Some people seem to imagine and it becomes as empty. कभी नहीं. Some people seem to imagine that. लग गया ना? पता ना चला सही है? चलिए. तो some people seem to imagine that. यानी R आएगा. फिर से 50-50 है. देखिए आपके पास ए और बी में से चूज करना है, आर एस पी क्यू या आर पी एस क्यू. ठीक है, अब हम देखिए, अगर ध्यान से इस पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे पूरा, आप ये समझेंगे कि ये जो क्यू वाला ऑप्शन है एंड इट बिकम्स एज एम्प्टी, ये जब भी आएगा लास्ट में आएगा, क्योंकि लास्ट छठवां पोर्शन है एज इट वॉज बिफोर. क्योंकि एंड इट बिकम्स एज एम्प्टी एज, यानी क्यू लास्ट में आएगा. अब दिक्कत ही हमारे पास है कि ए में भी लास्ट में क्यू है और बी में भी लास्ट में हमारे पास क्यू है. तो अब एस और पी देखते हैं. तो सम पीपल सीम टू इमेजिन दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ बॉटल. पहले एस देखते हैं. दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ बॉटल यू पोर इट आउट अगेन. भाई पहले आप उसमें कुछ डाल लेंगे तभी तो पोर इट आउट अगेन करेंगे आप.
यानी आर के बाद एच नहीं आना है, आर के बाद पी देखते हैं। सम पीपल सीम टू इमेजिन दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ बॉटल एंड दैट व्हेन यू हैव फिल्ड इट विद एनीथिंग, सही ना, यानी जो ह्यूमन माइंड है वो एक बॉटल की तरह है और जब आपने इसमें कुछ भर लिया होगा तभी ना आप उसमें निकालेंगे, यानी एस नहीं आएगा, आर के बाद पी आ जाएगा। तो सम पीपल सीम टू इमेजिन दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ बॉटल, कि एक बॉटल की तरह है, एंड दैट वो ये भी इमेजिन करते हैं कि व्हेन यू हैव फिल्ड इट विद एनीथिंग, जब आपने इसे किसी चीज से भर लिया तो फिर इसके बाद हमें क्या लेना होगा, जोड़ी जोड़ी जल्दी से क्या हो जाएगा, आर पी के बाद एस हो जाएगा। यू पोर इट आउट अगेन, पुनः उसे पोर इट आउट अगेन करते हैं आप दोबारा, फिर क्यू ले लीजिए, एंड इट बिकम्स एज एम्प्टी एज इट वॉज बिफोर, सही ना, यानी आपका आंसर हो जाएगा आर पी एस क्यू बी ऑप्शन। चलिए एक्टिव पैसिव है, और जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे निश्चित उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा मेरी चार लाइनें आप याद रखें, कोई भी इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, कोई भी कंटिन्यूअस प्लस बीइंग हो जाएगा, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और कोई भी मॉडल जो है वो मॉडल प्लस बी में आ जाएगी। तो ध्यान से देखें, एक्टिव वॉइस आपका है ही मे हैव लेफ्ट अ मैसेज फॉर मी, इसका आंसर जब भी होगा मे हैव बीन से ही बनेगा ना, मॉडल है ना मे हैव प्लस उसके बाद बीन आ जाएगा। तो पहला ही माइट हैव लेफ्ट खारिज कर दीजिए सर, दूसरा है अ मैसेज माइट बी बिल्कुल उठा के फेंक दीजिए सर, अब हमको तीसरा देखना अ मैसेज मे हैव बीन लेफ्ट फॉर मी बिल्कुल हो सकता है, चौथा भी देख लेते हैं अ मैसेज मे हैव बीन लेफ्ट ये भी सही है, फॉर मी ये भी सही है, लेकिन यहां एक प्लस हो गया बाई हिम, चूंकि सब्जेक्ट आपका ही था जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो अ मैसेज मे हैव बीन लेफ्ट फॉर मी से बेहतर है अ मैसेज मे हैव बीन लेफ्ट फॉर मी बाई हिम, डी ऑप्शन हो जाए। अगर यहां पे ही के बजाय वी दे या पीपल वगैरह होता तो आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन चूंकि ही है इसलिए आपको लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि बाई हिम आप लें, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ही मे हैव लेफ्ट अ मैसेज फॉर मी का अ मैसेज मे हैव बीन लेफ्ट फॉर मी बाई हिम। दूसरा है वाज द क्वेश्चन आंसर, ध्यान से देखें वाज द क्वेश्चन और फिर आंसर थर्ड फॉर्म, इट इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस नॉट इन एक्टिव वॉइस, यानी ऑलरेडी पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। तो वाज द क्वेश्चन आंसर, क्या क्वेश्चन का आंसर दिया गया, यानी क्या किसी ने वो आंसर दिया, यही होना चाहिए था, डिड दे आंसर द क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा वाज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवेन, ये तो वही पैसिव वॉइस है। वर दे एंसरिंग द क्वेश्चन, भाई आपका जो पैसिव है वो वाज के साथ है, यानी एक्टिव जब भी रहा होगा इंडेफिनिट में रहा होगा क्योंकि कंटिन्यूअस की वाज ली गई है, ठीक है। तो अगर वो इंडेफिनिट में रहा होगा तो फिर सी तो नहीं हो सकता है, डी है डिड द क्वेश्चन गेट एंसर्ड, कैसे हो सकता है सोच देखें कोई मतलब ही नहीं इसका है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा डिड दे एंसर द क्वेश्चन, क्या उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया, इज इक्वल टू इन पैसिव वाज द क्वेश्चन आंसर, क्या प्रश्न का उत्तर दिया गया, यानी ए ऑप्शन हो जाए। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है पसंदीदा आपका, द मेड कॉन्फेस्ड टू द पुलिस दैट इट वाज शी हु हैड टेकन द डायमंड रिंग, फिर वही तरीका है, टेंस आपका जिस बच्चे का बढ़िया होगा उस बच्चे का नरेशन वॉइस बहुत अच्छा होगा। वाक्य है द मेड कन्फेस्ड, यानी मेड ने कन्फेस किया स्वीकार किया टू द पुलिस को दैट कि इट वाज शी कि वही थी, यानी वही थी हु हैड टेकन द डायमंड रिंग, जिसने वो डायमंड रिंग लिया हुआ था। तो द मेड सेड, पहला ऑप्शन देखते हैं, आई हैव स्टोलन द डायमंड रिंग, आई हैव तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द मेड सेड दैट शी हैड स्टोलन द डायमंड रिंग, ये जो इट वाज शी है वो यहां है यानी खारिज करते हैं। द मेड सेड इट इज आई हु टुक द डायमंड रिंग, यानी ये वो थी जिसने वो डायमंड रिंग लिया, ठीक है, इट इज आई हु टुक द डायमंड रिंग हो सकता है। फिर नेक्स्ट है द पुलिस वर टोल्ड आई हैव टेकन द डायमंड रिंग, अभी यहां मेड वगैरह का जिक्र ही नहीं है, अगर मेड वगैरह का जिक्र ही नहीं तो आप कैसे इसको सही ठहरा सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, और अगर ये आंसर नहीं हो सकता है
तो आप समझ सकते हैं कैसे आप उसको क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, द मेड टोल्ड द पुलिस इट इज आई, ये मैं हूं, हु हैव टेकन द डायमंड रिंग, जिसने ये डायमंड रिंग लिया है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को, द मेड कन्फेस्ड टू द पुलिस दैट इट वॉज शी हु हैड टेकन द डायमंड रिंग, यानी सही आंसर डी आपका। आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर वो बी वाला क्यों नहीं होगा, द मेड सेड इट इज आई हु टुक द डायमंड रिंग, एक्चुअली सेम इसका वही आंसर होगा जो ऊपर है। बस एक चीज देखिए ध्यान से, द मेड सेड है जबकि क्वेश्चन में आपके द मेड कन्फेस्ड टू द पुलिस है। डी वाले ऑप्शन देखे क्या है, द मेड टोल्ड द पुलिस दिया गया है, जबकि ये पुलिस जो है बी वाले में से गैप कर दिया गया है। नहीं तो अगर वो रहता तो इट इज आई हु टुक द डायमंड रिंग हो जाता, क्योंकि इट वॉज शी और हु टुक पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में ले आते तो हु हैड टेकन हो जाता, लेकिन वो जो पुलिस गैप कर दिया गया बी से, जिसकी वजह से आप बी को न चूज करके डी को चूज करेंगे। दूसरा, माय फादर सेड टू मी गो नाउ, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा अभी जाओ। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो लेटर, नाउ का लेटर कब से होने लगा, नहीं होगा ना। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो नाउ, नाउ तो बदलता है ना देन में। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो देन, बिल्कुल यही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी है माय फादर ऑर्डर टू गो नाउ, नाउ तो होगा नहीं आपका, यानी बिल्कुल ईजी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये भी आपका पसंदीदा और चैलेंजिंग टास्क जो होता है क्लोज टेस्ट, देखते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, डिड द अर्थ ऑलवेज डैश एज इट डज टुडे, नो, इट्स ओरिजिन अबाउट 4.8 बिलियन ईयर्स एगो, आवर प्लैनेट हैज डैश अ लॉट ऑफ चेंजेस, द इनिशियल बॉल ऑफ फायर डैश डाउन एंड द सरफेस स्लोली डैश सॉलिड, टुडे वी डैश दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज डिवाइडेड डैश सेवरल प्लेट्स मूव कंटिन्यूअसली, एंटायर कॉन्टिनेंट्स डैश बीन डिस्प्लेस्ड एंड माउंटेन्स आईलैंड्स डैश न्यू सीज हैव बीन फॉर्म्ड और हैव डिसअपीयर्ड। समझते होंगे नॉर्मल आपकी अर्थ की जो बिल्कुल संरचना है जिस तरीके से होता है या उनके बारे में सब कुछ आपको बताया गया है, यानी यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर में टेंसेस वगैरह के यूजेस हैं, ठीक है, जैसे लुक रहना होगा कि लुकिंग होगा, लुक होगा, लुक्स होगा, आराम से कर सकते हैं बाबू आप, ठीक है। ध्यान से देखें, डिड द अर्थ ऑलवेज, सर आंख मूंद कर कह दें आप कि डिड के साथ तो हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके, देख लें चारों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ना, बिल्कुल सही है। तो डिड द अर्थ ऑलवेज लुक एज इट डज टुडे, क्या अर्थ वैसे ही दिखती थी एज इट डज टुडे जैसे आज दिखती है, नो नहीं। अब क्या आएगा नहीं के बाद, इट्स ओरिजिन अबाउट 4.8 बिलियन ईयर्स एगो, ओरिजिन दिया गया है यानी इसके जब से इसकी ओरिजिन हुई, जब से उत्पत्ति हुई। तो मैंने कहा था जब भी जैसे कोई कहे मेरे बचपन से, मेरी युवावस्था से, तो मेरी शुरुआत से, तो शुरुआत से क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, याद करिए निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस हो जाएगा। तो सिंस इट्स ओरिजिन अबाउट 4.8 बिलियन ईयर्स एगो, आवर प्लैनेट हैज, आवर प्लैनेट हैज, नॉर्मल टेंस समझने वाला बच्चा भी कह देगा कि हैज के बाद इन चारों में से वही आएगा जो थर्ड फॉर्म में होगा, कौन सा है देखें, अंडरगॉन सी, यानी आवर प्लैनेट हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस, द इनिशियल बॉल ऑफ फायर, यानी जो शुरुआत में बॉल ऑफ फायर, जो बॉल ऑफ फायर थी वो क्या हुई, सोच के देखें, बताएं जल्दी से क्या होगा। हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या कूल्स होगा, नहीं होगा, कूलिंग होगा, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, कूल होगा, नहीं होगा, हो गया आंसर आपका द इनिशियल बॉल ऑफ फायर, उस समय की जो बॉल ऑफ फायर थी कूल्ड डाउन होती गई, एंड द सरफेस स्लोली, और जो सरफेस था वो धीरे धीरे क्या होता गया, क्या होता गया, क्या हम पास्ट ले, अरे प्रेजेंट ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, नहीं, तो हैज टर्न होगा नहीं, टर्न होगा नहीं, टर्निंग होगा नहीं, हो गया आंसर आपका, यानी एंड द सरफेस स्लोली टर्न सॉलिड, यानी सरफेस सतह धीरे धीरे सॉलिड होता गया।
टुडे आज आज क्या टुडे वी आज हम क्या करते हैं आज हम जानते हैं बिल्कुल इसी टेंस का टुडे वी नो दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज डिवाइडेड डैश सेवरल प्लेट्स आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है ना प्रीपोजिशन का यूज है आपका याद करें डिवाइड इनटू होता है तो डिवाइड इनटू अगर होता है तो क्या हो जाएगा इसमें टू ऑन इनटू है इनटू आपका देखें तो जाएगा दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स यानी जो अर्थ का क्रस्ट है वो सेवरल प्लेट्स में डिवाइड हो चुका है क्या लगाएंगे हुम मूव क्या सेवरल प्लेट्स का भी हुम आएगा हु मूव क्या कोई सजीव है हु ले रहे हैं आप विच बिल्कुल हो जाएगा हुज भी नहीं आएगा जाएगा विच मूव कंटिन्यूअसली जो निरंतर मूव करते रहते हैं नेक्स्ट पोर्शन आपका है एंटायर कॉन्टिनेंट्स सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं महाद्वीप हैं हैज तो कभी नहीं होगा हैड हो सकता है आर नहीं होगा यहां पे ठीक क्योंकि बीन आगे दिया गया है यानी एक दो में से एक होगा या तो हैव होगा या हैड होगा ठीक है अब देखते हैं एंटायर कॉन्टिनेंट्स डैश बीन डिस्प्लेस्ड एंड माउंटेन्स यहां पर रहेगा एंड माउंटेन्स आईलैंड्स डैश न्यू सीज हैव बीन फॉर्मड प्रेजेंट टेंस यूज किया गया पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस ना यानी ऊपर जो नवा पोर्शन था आपका ब्लैंक वहां पर हैड नहीं होगा प्रेजेंट होगा एंटायर कॉन्टिनेंट्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड सारे कॉन्टिनेंट्स डिस्प्लेस कर दिए गए हैं एंड माउंटेन्स आईलैंड्स और ये जो माउंटेन्स है आईलैंड्स हैं अब आप कॉमन सेंस लें क्या जोड़ेंगे आर एंड बट सो समझ रहे हैं ना क्या हो जाएगा एंटायर कॉन्टिनेंट्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड माउंटेन्स आईलैंड्स ग्रामर का नॉर्मल रूल कहता है कि एंड हो जाएगा एंड न्यू सीज हैव बीन फॉर्मड आर हैव डिसअपीयर्ड फिर से एक बार देख लें एक साथ पूरा शुरू से आ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या हमने इसमें भरा है चलिए डिड द अर्थ ऑलवेज लुक एज इट डज टुडे नो सिंस इट्स ओरिजिन अबाउट 4.8 बिलियन ईयर्स एगो आवर प्लैनेट हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस द इनिशियल बॉल ऑफ फायर कूल्ड डाउन एंड द सरफेस स्लोली turned solid. Today we know that the earth's crust is divided into several plates which move continuously. Entire continents have been displaced and mountains, islands and new seas have been formed or have disappeared. मेहनत करें और आगे जितने भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स में आप सफल हों यही मेरी कामना है थैंक यू वेरी